हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अपने रात की रानी का प्लांट दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी सूखने लग रहा है। गर्मी में इस पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आई थी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि हमें सर्दी में इसकी कैसे केयर करनी है ताकि ये बचा रहे। सर्दी में हमारे को क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें इसके अंदर खाद बहुत ही कम देनी है। अगर आप नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा। पानी भी इसके अंदर कम देना है, इतना देना है कि इसकी मिट्टी सिर्फ नमी बनी रहे, सूखे ना। उसके बाद आपको दोस्तों इसके ऊपर जाते कोई चुन्नी कर देनी है या किसी बड़े पौधे के नीचे रख देना है। जैसे कि मैंने इसके नीचे रख रखा है, ये चंपा का प्लांट है, काफ़ी बड़ा हो रहा है, उसके नीचे रख दिया ताकि इसके ऊपर ओस ना गिरे। ओस गिरती है तो पौधे के मरने के चांस हो जाते हैं। ये गर्मी का पौधा है, सर्दी का नहीं है। सर्दी का टाइम जब भी आता है तो ये ऐसे ही सूखने लग जाता है। जब इसके ऊपर गर्मी आने लगे, जैसे कि जनवरी का हो गया महीना ख़त्म, तो उसके बाद आपको इसकी थोड़ी कटिंग कर देनी है और फिर आपको 15 दिन में एक बार खाद देनी है। और फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो आपको फिर 10 दिन में, फिर 7 दिन में खाद देनी है। आप इसका कोई भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, ये बहुत ही ईजी टू ग्रो होता है। रात को इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। जब आपको दिखे कि इसकी जड़ें बाहर निकल रही है गमले से, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही ऊपर का सरफेस है, यहाँ से जड़ें निकलती हुई दिखे या नीचे से दिखे, तो आपको इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। सर्दी में आपको नहीं करना, गर्मी में ही आपको रिपोर्ट करना है। गर्मी जब जैसे ही आने का मौसम होता है उसके बीच में करना है आपको, मार्च के करीब करीब आपको करना है, उससे पहले नहीं करना। और इसके ऊपर कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं लगते और ये कटिंग से भी काफ़ी ईजी टू ग्रो हो जाता है। 1-2 साल मिनिमम लगते हैं इस पर फ्लावरिंग आने में अच्छी खासी। ये मेरा 2 साल का पौधा हो गया और काफ़ी बड़ा हो रहा है। मैं इसे नए गमले में लगाऊंगा। एक गमले मैंने एक पौधे को बड़े गमले में लगा दिया है, उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा। एक दिन में थोड़ा वो सूख रहा है तो मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूँगा।